Hello class 9th, how are you students? Today we are here to learn history, okay? Open your books and let us learn the first chapter of history, that is the French Revolution. Up till now, we have studied about India, about modern India, about ancient India and about medieval India in earlier classes. But today, you will study about history of world. Today you will going to learn what is French Revolution. So as per the topic, the French Revolution, it has three words basically, the French Revolution. Let's focus on the last two words, which are last but not the least, the French Revolution. French and Revolution. So you know the country. You know the country, French, or that is not the country, the country is France. You know about it, you have heard about France. Let's go in the background of France. Chalte hain thoda sa past mein France ke, ki France kya tha, kaise France existence mein aaya, okay? To France ke existence ke baare mein baat karte hain. To France beta, aapka jo hai na, ye France jo hai, ये आपका यूरोपियन कंट्री है. जैसे इंडिया एक एशियन कंट्री है, वैसे ही फ्रांस जो है आपका एक यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप में लाई करता है. एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप. ओके, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप. एंड सो विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, डू यू नो? रशिया. रशिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, देन यूक्रेन, देन फ्रांस. फ्रांस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप. Okay, now what is the meaning of France? France means people or country of Frank. Okay, France ka matlab kya hota hai? France ek Latin word se bana hai basically. Francia, Francia ek Latin word tha, jisse ki derive hoke aaya aapka France. Okay, aur France means, aapne maine aapko bata hi diya ki France means country of Frank. Okay, jahan pe Frank log rehte hain basically, aap keh sakte ho, unhi ko hum log kya kehte hain? France kehte hain. अब आ रही है बात फ्रांस के बारे में. तो फ्रांस एक इंडिपेंडेंट नेशन है, आप तो आज जानते हो कि आज की, अगर आज की बात करूं तो फ्रांस एक इंडिपेंडेंट नेशन है. लेकिन ये फ्रांस जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आया, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही किया था जब टॉपिक शुरू कर रहा था. तो फ्रांस एग्जिस्टेंस में कब आया बेसिकली, आप ये समझ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है हमको. फ्रांस आपका एग्जिस्टेंस में आया आपके 9th सेंचुरी में. 9th सेंचुरी में फ्रांस जो एक सेपरेट कंट्री फॉर्म हुई फ्रांस में, जब आपका रोमन एम्पायर का जो फॉल चल रहा था उस समय फ्रांस जो एक सेपरेट कंट्री के थ्रू फॉर्म हो गया. और उसके बाद फ्रांस में और सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए. तो अब इस तरह से फ्रांस एग्जिस्टेंस में आ गया. तो ये तो हो गई एक ब्रीफ स्टोरी अबाउट फ्रांस. नाउ फोकस ऑन द सेकेंड वर्ड, दैट इज रिवोल्यूशन. तो व्हाट इज रिवोल्यूशन मींस बेटा, देखो रिवोल्यूशन के बहुत सारे मतलब होते हैं, बस उसके सामने वर्ड चेंज हो जाना चाहिए. जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर लो आप, तो उसमें रिवोल्यूशन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा. लेकिन चूंकि हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो फ्रांस की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूं. रिवोल्यूशन का डेफिनेशन ये है कि जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ, ठीक है, किसी गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट के फॉर्म को चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, और स्पेशली इन वायलेंट वे. इसलिए आप देखोगे जब आपने इंडिया पढ़ा है, तो इंडिया में आपने पढ़ा है रिवोल्यूशन नहीं पढ़ा है. इंडिया में आपने रिवोल्यूशन नहीं पढ़ा है, आप इंडिया में मूवमेंट्स पढ़े हो. क्योंकि हम लोग जो भी क्या कहते हैं कि पोजीशन था हमारा ब्रिटिश से, जो भी हम ब्रिटिश को अपोज करते थे वो एक नॉन वायलेंस के थ्रू करते थे. हम लोगों ने कभी वायलेंस का सहारा नहीं लिया, या लिया भी तो बहुत कम लिया. बेसिकली हम लोग नॉन वायलेंस के ही थ्रू हम लोगों ने अपनी कंट्री को वापस पाया है, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं. लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ. तो रिवोल्यूशन जो है क्या है, एक एक्शन है टू चेंज गवर्नमेंट. लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का कलेक्टिव एक्शन है गवर्नमेंट को चेंज करना, गवर्नमेंट के फॉर्म को चेंज करना, और स्पेशल इन द वायलेंट वे. तो अब आपको लगभग क्लियर हो गया है कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. पहली बात थी हमें फ्रांस पढ़ना है, दूसरी बात थी हमें रिवोल्यूशन पढ़ना है, और फ्रांस में रिवोल्यूशन जैसा हुआ उसी रिवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है. तो बेटा देखो, ऐसे तो फ्रांस एग्जिस्टेंस में आया आपका 9th सेंचुरी में,
लेकिन 9th century से ही तो आपका जो है कि वहां पर रिवोल्यूशन नहीं शुरू हो गए। रिवोल्यूशन कब से शुरू हो गए? रिवोल्यूशन की शुरुआत जो थी, मतलब जो जो मतलब हिस्ट्री में लिखी गई है रिवोल्यूशन की शुरुआत, वो हुआ है कब से? 18th century से, 18th century से बेसिकली। अच्छा, उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि देखो रिवोल्यूशन एक दिन में नहीं शुरू होता बेटा, रिवोल्यूशन को शुरू होने में बहुत साल लग जाते हैं, कई 100 साल भी लग जाते हैं, 100-200 साल लग जाते हैं रिवोल्यूशन को फॉर्म होने में, क्योंकि भाई रिवोल्यूशन क्यों होता है, इतना आसान नहीं है रिवोल्यूशन, ठीक है, लोगों को उस मूवमेंट तक पहुंचना कि वो उस गवर्नमेंट को हटा देना चाहते हैं, इसमें उनको समय लगता है, क्योंकि वो भी समय देना चाहते हैं कि शायद अब लोग सुधर जाएं, अब लोग सुधर जाएं, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तभी रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली 18th century में आपका रिवोल्यूशन हुआ, तो उस समय क्या फ्रांस की स्थिति थी, प्रेजेंट कंडीशन क्या थी फ्रांस की, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो नाउ फ्रांस, फ्रांस में उस समय मोनार्की थी, आज तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से जानते हैं उसको, लेकिन उस समय फ्रांस में मोनार्की थी, और उस समय हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस, लुईस 16, उनके पापा का नाम क्या था, लुईस 15, उनके पापा का क्या नाम था, लुईस 14, उनके पापा का क्या नाम था, लुईस 13। तो ऐसे ही वो बहुत शॉर्टेड थे वो लोग, ज्यादा नाम रखने में टेंशन नहीं लेते थे, वो 14, 15, 16 करके अपना नाम चला लेते थे। खैर, तो ये तो हंसी मजाक की बातें थी। खैर, तो लुईस 16 वाज अ किंग, और वो कब किंग बना, वो किंग बना 1774 में, ठीक है, से वो आपका बारबन फैमिली से बिलोंग करता था, वही जिसका बिस्किट खाते हो, तो उसी फैमिली से बिलोंग करता था। 1774 में 20 साल का हुआ, एकदम यंग था, उस समय उसको राजा बना दिया गया, अभी तो हम लोग घर में कुछ बन ही नहीं पाते, आदमी भी नहीं बन पाते, लेकिन उस समय वो राजा बन गया। खैर, तो 20 साल की उम्र में वो राजा बना, और उसके बाद उसकी शादी भी हो गई, ये अच्छी बात है कि उसकी शादी हो गई 20 साल में ही। तो उसकी वाइफ का क्या नाम था भाई, उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। अब जब ये राजा बना तो इसने क्या देखा, जब इसने राजा बना तो इसने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जब राजा बना तो उसने देखा कि भाई इसकी तो तिजोरी एकदम खाली है, He was sitting on empty treasure, ठीक है, मतलब उसकी ट्रेजरी में कुछ था ही नहीं। अब बात ये थी कि भाई उसकी ट्रेजरी में क्यों कुछ नहीं था, बहुत सारी रीजन है उसके पीछे भी कि उसकी ट्रेजरी में क्यों कुछ नहीं था बेटा। एक सबसे बड़ा रीजन है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत समय से वो लोग लड़ाई झगड़े मारपीट में बिजी थे, अपने में ही दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, इंटरनल वॉर्स तो नहीं थे उनके यहाँ बेसिकली, क्योंकि मोनार्की थी तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थे, और थोड़ा सा अच्छे बनने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए वो हमेशा वॉर में अलग अलग बगल से अड़ोसी पड़ोसियों से इतना ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व थे कि उनका जो भाई लड़ाई होगी तो पैसे तो लगेंगे भाई, सोल्जर्स को देने हैं, आम अमीशन खरीदने हैं, बनाने हैं, तो बहुत सारी चीजों में पैसे लगते हैं। तो भाई पहली बात, पहला चीज था एम्परी एम्प्टी रिजर्व होने का क्या था कि उनको वो वॉर्स में बिजी थे। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि भाई वो बड़े ही राजा थे, तो भाई वाकई दिल से भी राजा थे भाई, तो वो जो है एकदम हाई मेंटेनेंस वाले राजा थे, और वो जो है कहाँ रहते थे, उनका एक बहुत बड़ा सा पैलेस था, वो थोड़ा सिटी से दूर था, ठीक है, पैलेस का नाम था पैलेस ऑफ वर्सेलेस, ठीक है, और वो पैलेस जो आज भी है, आज भी बहुत बड़ा है, आप गूगल पे सर्च करके उसकी फोटो भी देख सकते हो, वैसे तो मैंने लगाई दी ये फोटो, आप देख रहे हो। खैर, तो जो ये पैलेस था उसकी मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे लगते थे। अब आप समझो कि एक अलग से आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट ही दिया है कि उनके पैलेस के मेंटेनेंस में बहुत पैसे लगते थे, इसका मतलब ही यही है कि कितना बड़ा पैलेस होगा और कितने ज्यादा पैसे उसकी मेंटेनेंस में लगते होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट दिया भी है अपनी बुक में, आप देखोगे। दूसरी बात ये कह रहा है कि और क्या था भाई, अब देखो होता क्या है ना कि ब्रिटिश जो था ना उसने सबको गुलाम बना रखा था कभी ना कभी सबको। खैर, फ्रेंच से उसकी ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन फ्रेंच की दुश्मनी ये थी कि भाई वो क्यों हर जगह सुप्रीम बनते चला जा रहा है फ्रांस की। तो फ्रांस ने क्या किया ना, फ्रांस ने देखा कि अमेरिका जो है वो किसके अंडर में है, वो चल रहा है ब्रिटेन के अंडर में, तो अमेरिका से बोला कि यार देख मैं तुम्हारे 13 countries को फ्री कराता हूँ, 13 colonies को बेसिकली कह लो, 13 colonies को मैं फ्री कराता हूँ, और आप जो है मेरे दम पे चलो लड़ो, मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूँ, आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बस महान समझो और मैं आपको फ्री करा दूँ। तो उसने 13 colonies को अमेरिका के फ्री कराया, ठीक है, और ब्रिटेन से, ब्रिटेन की भाई कहते हैं ना भाई अमेरिका का दुश्मन ब्रिटेन, फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त हो गया, तो दोस्ती निभाए लोग, और जो है कि 13 अमेरिका की कंट्रीज को कॉलोनीज को उन्होंने फ्री करा लिया। अमेरिका को तो 13 free colonies मिली, फ्रांस को क्या मिला, कुछ नहीं। खैर, आगे नहीं बताऊंगा क्या मिला।
आगे देखते हैं हम लोग, अब ऐड करते हैं और क्या हुआ इसकी वजह से, क्या हुआ इसकी वजह से भाई, ये तो पहले से ही खाली बैठे थे, फिर ऊपर से और इन्होंने अपने सर पे लुई 16 ने बोझ ले लिया कि चलो अमेरिका को भी फ्री कराते हैं, अपनी कंडीशन नहीं देख रहे थे, तो इनकी वजह से इनके ऊपर क्या हुआ कि इनके ऊपर डेब्ट बढ़ते जा रहे थे। भाई जब पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, तो कुछ स्टेट के जो बिग बिजनेसमैन हुआ करते थे, स्टेट क्रेडिटर्स हुआ करते थे, उन्होंने उनसे इन्होंने उधार ले रखा था। अब उनसे जब इन्होंने उधार ले रखा था तो उनको चुकाना भी है, और भाई जब स्टेट के क्रेडिटर्स इनको पैसे दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी तो लेंगे, बिना इंटरेस्ट के फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो भाई इन्होंने वो बात समझी नहीं, वो देखा कि चलो ठीक है मैनेज कर लेंगे, उन्होंने यही सोचा। ऑलरेडी टू बिलियन लाइवर्स जानते हो क्या था, लाइवर्स वहां की करेंसी थी उस समय की, ठीक है, ऑलरेडी 2 बिलियन लाइवर्स के ऊपर इनके ऊपर डेप्थ हो चुका था, ठीक है, और उसके बाद भी ये डेप्थ लेते चले जा रहे थे। खैर अब जो है जो लेंडर्स थे ना, उन्होंने जो है इनके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगा दिया कि लाओ भाई हम इनको, भाई तो जा रहे हैं हम क्या करें, जो जा रहे हैं देखे जाए कुछ और देखे जाए, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। अच्छा छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं लगाया, इनके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा दिया। अब सोचो कि 2 बिलियन प्लस डेप्थ है, उस पर 10% इंटरेस्ट, मैथ्स अगर अच्छी तो कैलकुलेट कर लो कितनी आती है। खैर उसके बाद क्या हो, अब इसकी वजह से इनको अपना ना एक अलग से जो है कि अपने बजट को इंक्रीज करना पड़ा। भाई जब इन्होंने देखा कि इतना सारा पैसा उधार है, उसके ऊपर से इसका इंटरेस्ट चुकाना है, तो उसके लिए उन्होंने अलग से बजट को इंक्रीज किया, सिर्फ किस लिए कि इनको क्या करना पड़े, इनको क्या हो जाए, इनको ये इस काबिल हो जाए, इस कैपेबल हो जाए कि ये लोन को, लोन का इंटरेस्ट जो है वो पे कर सके। लोन क्या पे करेंगे, पहले लोन का इंटरेस्ट तो पे कर सके, ठीक है। तो अब इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे आने का एक ही इंपॉर्टेंट सोर्स सारे राजाओं को दिखता है, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो फॉरेन के हों। क्या दिखता है कि भाई जो लोग गरीब हैं, जो लोग थोड़े मिडिल क्लास हैं, जो लोग नीचे तबके के हैं, उनके ऊपर हैवी टैक्स ड्यूटी लगा दी जाए, उनसे जो है कि जितना उनके पास है सब छीन लिया जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। भाई 100, 10, 200 गरीबों को छीन के वो अमीर हो जाएंगे, यही सोच के वो फोर्स खुद भी फोर्स हो गए, भाई कोई और तरीका है नहीं उनके पैसे मतलब उनके पास आने का। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा इंक्रीज किया टैक्स को, या वो कह सकते हो कि वो इंक्रीज करना चाहते थे टैक्स को। अब यहीं से शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ये एक बहुत बड़ा कारण बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, जो उन्होंने अपने मन से जो उन्होंने सोचा कि नहीं अब टैक्स बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा। एक बात यही आपको बता दूं कि टैक्स ऐसे नहीं बढ़ा सकता था फ्रांस, जो लुई 16 के समय की बात बता रहा हूं, 18th सेंचुरी में, सिर्फ अगर लुई 16 चाहे तो टैक्स नहीं बढ़ सकता था, उसके लिए एक प्रोसेस था जो कि उनको करना था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी चैप्टर को यहीं रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्स किसको देना था, क्यों वो लोग खफा हुए इनसे, और टैक्स के बहुत सारे कई स्टेट्स में बांटा गया था इन लोगों ने, कई स्टेट्स में ये लोग बटे हुए थे फ्रेंच लोग, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।